नमस्कार दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 23 जुलाई 2023 को वक्री होने वाले हैं, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 23 जुलाई 2023 की सुबह 7:02 पर शुक्र सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे और आने वाले 43 दिनों तक यानी 4 सितंबर 2023 तक शुक्र वक्री रहने वाले हैं, यानी उल्टा चाल चलने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो जैसा कि आपको पता है, शुक्र को सभी नवग्रहों में वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है और एक शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र को संगीत का, इंद्रिय सुखों का, पत्नी का, विवाह का, ऐशो आराम का, चटपटे भोजन का, व्यापारिक जीवन का और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र आधिपत्य रखते हैं। शुक्र की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में यदि बली हो, मजबूत हो, तो जातक अपने वाणी की मिठास के द्वारा और शारीरिक सुंदरता के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सफल होता है। शुक्र बलि हो, व्यापारिक जीवन में बड़ी उपलब्धि, क्रिएटिव क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। वहीं शुक्र के बलि होने पर परिवार का भरपूर सहयोग और सुख भी प्राप्त होता है। शुक्र की बलि स्थितियां हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख प्रदान करती है। वहीं शुक्र अगर खराब हो, रिश्तों में विवाद, वैवाहिक जीवन में समस्या, यौन जनित बीमारी और धन प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वक्री ग्रहों के संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है और पाप ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। सिंह राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके पराक्रम भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 23 जुलाई 2023 को आपके राशि के प्रथम भाव पर वक्री होने वाले हैं। राशि के प्रथम भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, चरित्र और शरीर के बारे में विचार किया जाता है। यह परिवर्तन, शुक्र का यह वक्री काल सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में काफी सकारात्मकता देने वाला है। लग्न पर शुक्र का वक्री होने से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी और करियर के मामले में बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन अवसर, आत्मविश्वास के साथ आप ढूंढने में कर्म क्षेत्र में सफल रहने वाले हैं। शुक्र का यह वक्री काल व्यापारिक जीवन में भी आपको विशेष उपलब्धि और शानदार सफलता देने वाला है। यदि आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाने में समर्थ रहने वाले हैं। सिंह राशि के ऐसे जातक जो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आप कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, सिनेमा के क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, बुटीक की दुकान है,
जल परिवहन से क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को विशेष उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। लगन भाव पर शुक्र मौजूद होकर आपके राशि के सप्तम भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। इस समयावधि में रिश्तों में विशेष उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में भी समय बेहतर रहेगा। नए स्रोतों से धन अर्जित करने में, धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है या विदेश में रहकर यदि आप कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो आपको इस समयावधि में बड़ी उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शुक्र को अनुकूल और मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन यदि आप दही, चीनी, कपास, सफेद वस्त्र, ग्लूकोज मिश्रित इन चीजों का दान, यानी सफेद चीजों का दान यदि आप किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा और दक्षिणा भाव से करते हैं, शुक्र जनित दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः।